अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तानी एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 के। तो प्रॉपरली इसको चलें सॉल्व करते हैं। इन्वेंटरी कैलकुलेशन ऑन जनवरी 1 द फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी ऑफ द मैनुअल कंपनी वाज 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर मैनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाज 19 लाख। सेल्स वर 20 लाख विद अ 20% ग्रॉस प्रॉफिट। रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? द कॉस्ट असाइन टू दिसंबर 31st फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी। तो हमने कॉस्ट असाइन करनी है जो दिसंबर 31st की फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। तो चलें इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। इसमें सबसे पहले हम सेल्स की एंट्री कर लेते हैं जो कि 20 लाख हमें गिवन है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें प्रॉपरली गिवन नहीं है, बट इसके कुछ एलिमेंट्स हमें गिवन है। जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 3 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमें गिवन है 18 लाख, और इसके साथ साथ हमें ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ द सेल्स गिवन है। तो हम सेल्स का जब 20% ले लेते हैं वो 4 लाख बन जाता है। अब हम क्या करते हैं कि हम रिवर्स से कैलकुलेशन में जाते हैं। रिवर्स से किस तरह से जाएंगे कैलकुलेशन में कि ये अगर 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है और 20 लाख सेल्स है, तो इसका मतलब है कि CGS हमारा जो बनता है दैट विल बी 16 लाख। अब 16 लाख जो है 16 लाख, और यहाँ पे अगर हम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जनवरी 1 को और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 22 लाख बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 22 लाख और 16 लाख के बीच का जो डिफरेंस है जो कि 6 लाख बनता है, वो हमारे पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होगी दिसंबर 31st की। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।